आप देख सकते हैं इस कॉलेज में आज एक हफ्ते से लगातार 7 दिन से कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहा है। इसमें जो मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, आलिम फाजिल और जो भी हैं जैसे, वो इस तरह के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस यहां पर बाहर से या बजाते ये ग्राउंड के अंदर ही गाड़ी थी। आप देख सकते हैं कि लोग गाड़ी किस तरह से रखे हुए थे। बहुत सारे ऐसे तो कैंडिडेट हैं जो आलिम का एग्ज़ाम देकर के वापस चले गए हैं, और वो आप यहाँ पर अब तक में 3 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है। गाड़ी चोरी होने में जो शख्स है, आप ही की गाड़ी चोरी हुई है? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीबुल्ला। अच्छा, आपकी कौन सी गाड़ी थी? हमारी अपाची गाड़ी थी, उसका नंबर है BR 50B 0856। हमने लॉक लगा करके अभी फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए अंदर गया हॉल में, और जब हॉल से निकल के आया मैं गाड़ी को लेने के लिए, तो गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे पास चाबी भी अभी है, सब कुछ है, और हम गुजारिश यही करेंगे यहाँ के SP JSP थाना से कि हमारी गाड़ी जल्दी से वापस। इनसे पहले भी गाड़ी चोरी हुई थी? अभी जी, इनसे पहले हमारी गाड़ी कल के डेट में चोरी हुई, हालांकि परसों के डेट में गाड़ी पहले चोरी हुई थी। तो हम लोग बाहर गाड़ी लगा रहे थे, कंपस से बाहर। जब बाहर से चोरी हुई तो मैं मुनासिब नहीं समझा कि बाहर में लगाऊँ, तो मैं सर से बात किया कि सर गाड़ी अंदर आने दीजिए। सर मना के बोला गाड़ी अंदर आने का कोई ज़रूरत नहीं, गाड़ी बाहर रहेगा। लेकिन हम लोग बहुत जिद किए तो गाड़ी अंदर आने दिए। अंदर आने के बाद हम लोग गाड़ी लगा दी, ये आम का पेड़ है, यहीं पर मैं भी गाड़ी लगाया था अंदर कंपस में ही। गाड़ी लगाने के बाद मैं एग्ज़ाम में चला गया, एग्ज़ाम दे के जब आया तो मेरी भी गाड़ी गुम हो चुकी थी। तो मैंने प्रिंसिपल सर से बात भी किया कि सर मेरी गाड़ी गायब हो गई है, पता नहीं, बाहर से तो चोरी होती थी लेकिन अगर अंदर कंपस से गायब हो रहा है तो ये जिम्मेदारी कॉलेज की होती है, प्रिंसिपल सर की होती है, और इससे पहले भी गाड़ी गायब हो गई है तो सर को होना चाहिए कि गार्ड को टाइट कर दे, एग्ज़ाम के टाइम बाहर वाले आदमी अंदर ना आए और अंदर वाले आदमी बाहर ना जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आओ सनम जाओ सनम, जब जी चाहे आ सकते हैं, जब जी चाहे जा सकते हैं, ये एग्ज़ाम का जो कि रूल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं है, यह गाड़ी गायब होने के बाद सर कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते हैं, सीधा अल्फाज में कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और हम सब मिलकर अभी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गए, तो प्रिंसिपल साहब बोलने के हमारा कोई रिस्पांस नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो करना है करो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई रिस्पॉन्स हम इस पर नहीं ले रहे हैं, और इसी तरह के ग्राउंड से गाड़ी का तो छीका लिया है क्या? गाड़ी का अपना हिफाजत नहीं कर दिया, गाड़ी में लॉक भी लगा, लॉक लगा हुआ, अकेले नहीं।